नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान सरकार के द्वारा लॉकडाउन में फंसे विभिन्न श्रमिक एवं मजदूरों को अपने मूल स्थान पर लाने हेतु महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इस हेतु सभी श्रमिकों एवं मजदूरों जो राजस्थान में आना चाहते हैं और राजस्थान में रहने वाले अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें एप्लीकेशन फॉर्म अर्थात रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने हेतु हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी होगी, तो हम इस वीडियो में इसी संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण जो सूचना है उसको हम देख लेते हैं। ई मित्र पोर्टल पर आपके द्वारा किए गए रजिस्ट्रेशन को यात्रा करने की अनुमति न समझे, सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही यात्रा प्रारंभ करें। पहला जो बिंदु है जो ध्यान देने योग्य है, सर्वप्रथम माइग्रेंट मूवमेंट में अगर कोई राजस्थान में आना चाहता है तो इनवर्ड पर जो ऑप्शन है क्लिक करें, और अगर कोई राजस्थान से बाहर जाना चाहता है तो आउटवर्ड ऑप्शन का चयन करें। कहने का अर्थ है कि विभिन्न राज्यों से श्रमिक या मजदूर राजस्थान में आना चाहते हैं तो इनवर्ड बटन पर क्लिक करना होगा, अगर राजस्थान से अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं तो आउटवर्ड को जो बटन है उसका चयन करना होगा। सोर्स एड्रेस का मतलब होता है कि नागरिक वर्तमान में कहां पर रह रहा है, तो सोर्स एड्रेस में हमें वो एड्रेस भरना होगा जहाँ वर्तमान पर हम रह रहे हैं। और अगर आप माइग्रेंट मूवमेंट में आउटवर्ड ऑप्शन का चयन करते हैं तो सोर्स एड्रेस में राजस्थान का एड्रेस आएगा। फोर बिंदु है हमारे पास में, डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब है नागरिक कहां पर जाना चाहता है, अर्थात गंतव्य स्थान के बारे में भरना होगा। अगर आप माइग्रेंट मूवमेंट में इनवर्ड ऑप्शन का चयन करते हैं तो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, राजस्थान ही होगा। आवेदक का नाम, लिंग, उम्र दर्ज करनी होगी। आवेदक के साथ कोई अन्य पारिवारिक सदस्य भी आना चाहता है तो प्लस एड माइग्रेंट पर बटन पर क्लिक करके सभी सदस्यों की सूचना फॉर्म में दर्ज कर देवें, और ध्यान रहे परिवार के सभी सदस्यों का रजिस्ट्रेशन एक ही साथ करें। कहने का अर्थ है कि परिवार में अगर 6-7 सदस्य हैं और ये 6-7 सदस्य अपने राज्य में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुखिया अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाएं, इसके बाद में एड मोर पर प्लस एड मोर माइग्रेंट पर क्लिक करें और बाकी जितने भी सदस्य हैं उनकी सूचना उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर दर्ज करें। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन एक ही फॉर्म के साथ में होगा। छठा जो पॉइंट है, आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर आपको अपने भरने होंगे। ऑन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल का मतलब है कि अगर नागरिक स्वयं के साधन से आना चाहता है तो यस पर क्लिक करें, और वाहन के प्रकार व वाहन के नंबर की सूचना दर्ज करें। अगर आपके पास साधन है आने के लिए तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और वाहन के प्रकार टू व्हीलर या फोर व्हीलर है वो भरेंगे, और साथ में जो वाहन के जो नंबर है वो दर्ज करेंगे। अथवा अगर आप सरकारी वाहन से आना चाहते हैं तो ऑन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल में नो का चयन करेंगे। तो अगर आपको सरकारी वाहन जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर आना चाहते हैं तो नो का क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक कर अपने मोबाइल नंबर पर आए OTP नंबर डालकर फॉर्म को सफलतापूर्वक सेव कर देवें। नवा पॉइंट है हमारे पास, फॉर्म का वर्तमान स्टेटस। स्टेटस ज्ञात करने के लिए ये वेबसाइट का लिंक दिया गया है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, तो यहाँ आप अपने फॉर्म का जो स्टेटस है वो ज्ञात कर सकते हैं। स्टेटस ज्ञात करने के लिए हमें आवेदक के मोबाइल नंबर या रिसिप्ट नंबर डालकर आसानी से कर सकते हैं। अब विशेष नोटों के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं।
इस सर्विस में राजस्थान के अंदर परिवहन के लिए आवेदन ना करें, जो आमजन राजस्थान में ही एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ विशेष तथ्य है कि ऐसे आवेदक जो राजस्थान में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, वो इसके लिए आवेदन नहीं करें। ये सर्विस केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में गमन करने हेतु ही लागू होती है। मूवमेंट डेट का निर्धारण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। जिस दिन आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाना होगा, उस दिन राज्य सरकारें अपना जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देगी। इस सेवा का शुल्क विभाग द्वारा प्रति रजिस्ट्रेशन 6 रुपये कमीशन दिया जाएगा और आमजन से इस सेवा का कोई भी शुल्क लेना नहीं है। अतः अधिक से अधिक सही रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पर विशेष है कि यह सुविधा सभी आमजन के लिए निःशुल्क उपलब्ध है और इसके लिए 6 रुपये जो कमीशन है वो दिया जाएगा विभाग के द्वारा। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही पहल के संदर्भ में मूवमेंट माइग्रेट के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आशा करूंगा कि वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।